समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरी वो भला, यह है सतगुरु की सीख। When you stand at a religious place, railway or any other crowded place, you see a lot of familiar faces called beggars. Begging in India is not something new to our society. The elderly, disabled kids and women with babies are frequently seen begging around, which has now become a profession for these people. People generally give money to beggars because of a feeling of guilt by seeing the poor or a desire to help a disabled person. But with that desire, they fail to realize that they, by getting money to beggars, are doing exactly the opposite of what they intend to do. कोई फेरी में जाता है, कोई काम करता है, तो उसके लिए कोई हेल्प नहीं मिल रहा। पुलिस वाले भी आते हैं, झुग्गियाँ तोड़ के जाते हैं। इस गरीबों की कोई सहायता नहीं कर रहा। आप कुछ ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि बच्चों की मजबूरी है कि उनका ना कोई आधार कार्ड बन पाता है और ना आधार कार्ड बनता है और ना कोई उनकी कोई सहायता नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो इनके लिए आधार कार्ड बनने के लिए कोई यहाँ झुग्गियों में जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, 500 रुपये फीस मांगते हैं। तो एक बच्चे का 500 रुपये मांगते हैं, तो ये 5 बच्चे होंगे, 2500 रुपये कौन दे देगा? उसकी कोई सरकारी ड्यूटी नहीं, कमाने वाले वही बच्चे लाते हैं, खाते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? हंसराज। हंसराज, और कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ के। लखनऊ में कहाँ रहते हैं? आलमबाग। और दिल्ली कैसे आना हो गया? दिल्ली में क्या करे, हुआ भूखंड रहते हैं, यहाँ खाने पीने के लिए भाग गया है। अच्छा, तो यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ तब काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये मकान बनते हैं, गारा माटी धोते हैं। अच्छा, लेबर का काम करते हैं। तो घर में कितने लोग हैं आपके? घर में हैं 7। 7 जने हैं। तो आप घर में सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े, और तो बच्चे। कितने कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे। 6 बच्चे। अच्छा, कितने मतलब वो क्या करते हैं 6 बच्चे? 6 बच्चे वो भीख काम करते हैं, भीख मांगते हैं। तो स्कूल नहीं भेजते आप उन्हें? बच्चे नहीं है, छोटे नहीं है। अच्छा, छोटे नहीं है, बड़े हैं। कितने साल के हैं? सबसे बड़ा वाला क्या, कितने साल का लड़का? लड़की है। लड़की कितने साल की है, लड़का लड़की जो भी? एक 18 साल के है। अच्छा, एक 16 साल के है। अच्छा, 18 साल वाली जो लड़की है उसको स्कूल भेजा आपने? क्यों? Thank you.
माई क्या माई किसको बोलते हैं? देख अपना नाम बोलेगा तो नाम आएगा, दिखा इसके तरफ सर। देख ऐसी दूर से बोलते हैं राजू। अच्छा वो वीडियो में आ जाएगा तेरा नाम। और मैं भी हूँ भाई, चल भाई। अच्छा रहता कहीं तो बता दे। चुक्की में। कहाँ पे? चुक्की जॉब। अरे कहाँ पे, जगह कौन सी है? इधर ही। स्कूल नहीं आता? सुन तो स्कूल नहीं आता? नहीं जाएगा क्यों? नाम कटा लिया, मन नहीं करता? अच्छा अच्छा नहीं पढ़ाते क्यों? क्या करते हैं बता तो। दुलार है। क्या? दुलार। अच्छा कितने साल का? अब मैं ये उम्मीद लगा लो 30-35 साल का होंगे। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ भलासा डेरी। भलासा डेरी, वहाँ से रोज आते रहते हैं? हाँ जी। तो आपके घर में कौन कौन है? हमारा गांव झारखंड हजारीबाग है। अच्छा झारखंड। नहीं यहाँ पर किस साथ रहते हैं? मैं अकेले रहता हूँ जी। अकेले रहते हो? और परिवार वाले? कोई नहीं है मेरे साथ। कोई भी नहीं? हाँ जी मैं मांगता हूँ, जो बोलने की साफ बोलने की। सरकारी मदद कुछ मिलती है? हाँ जी। सरकारी मदद कुछ मिलती है? नहीं जी मेरे पास प्रूफ कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? मेरा नाम है श्रेयांश सिंह और आज हम सपना गर्ग जी के साथ हैं जो एनजीओ चलाती हैं और बहुत सामाजिक काम करती हैं, लोगों को जो भीख मांगते हैं या जो पॉवर्टी से पीड़ित हैं उनके लिए काम करती हैं। स्वागत है आपका सपना जी। कब शुरू किया आपने ये एनजीओ? एनजीओ स्टार्ट किए हुए तो मुझे बहुत साल हो गए हैं, 2 साल अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन एज अ सोशल वर्क काम करते हुए मुझे 15 साल हो चुके। इसीलिए पहले मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया जिसमें मैंने काफ़ी हद तक बहुत सालों तक काम किया। वहाँ पे काम करने के बाद एक्सपीरियंस गेन किया कि क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर मेरे मन में आया कि कुछ चीज़ें थी जो मुझे वहाँ पे भी काम करने से रोकी, उन चीज़ों को अपने लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए फिर मैंने एक नया एनजीओ अपने स्टार्ट किया। अपने बारे में बताइए कुछ, अपनी मतलब जो आपकी निजी जिंदगी है उसके बारे में कुछ बताइए। कितने लोग हैं घर में? मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। अच्छा। जब मेरी शादी हुई तब मेरे फादर इन लॉ थे और मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 देवर और मेरी मदर इन लॉ नहीं थे। उस वक्त घर में एक लेडी की बहुत ज़रूरत होती है, जैसा कि घर में एक होता है कि भाई घर को संभालने के लिए चाहिए, तो बेसिकली मेरी नीड घर में थी तो मैंने अपने घर को टाइम दिया। आफ्टर सम टाइम्स वी हैव 2 किड्स। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, जैसे तुम घर में करती हो तुम बाहर भी कर सकती हो। बेसिकली मुझे मोटिवेट करने वाले मेरे हस्बैंड ही थे। आपकी स्ट्रेंथ आपके हस्बैंड? मेरी स्ट्रेंथ मेरे हस्बैंड है। तो क्या मिशन है आपके एनजीओ का, नाम क्या है आपके? मेरी एनजीओ का नाम है इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स फाउंडेशन। और क्या गोल्स हैं उसके, क्या आपके दिमाग में है कि ये अचीव होना चाहिए या ये चेंज आना चाहिए हमारे? आज के ज़माने में बहुत सी ज़रूरतें ऐसी हैं जिन्हें हम लीगली जाकर कहते हैं अब ऐसा लॉ बना दिया है गवर्नमेंट ने, ये चीज़ है तुम्हें ये प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो हवा में तो प्रोवाइड नहीं होगा ना, उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तुम्हें तरीका मालूम होना चाहिए। एक पर्सन होता है जो उसकी हेल्प करता है और एक होता है बता के छोड़ देता है। खाली बताने से कभी भी कोई काम कम्प्लीट नहीं होता है। अगर हमें खाना भी खाना है तो फर्स्ट उसको बनाना पड़ेगा। खाली चावल ला के देने से कच्चे वो पेट नहीं भर जाएगा। जब बनाने का प्रोसेस ही नहीं पता होगा, बन के हाथ में नहीं आएंगे तो पेट भी नहीं भरेगा। तो इसी तरीके से जब हम लोग जाते हैं, ठीक है गवर्नमेंट ने ये सुविधा दे रखी है, लेकिन उन लोगों को जो नीडेड है वाकई में उनको ये पता ही नहीं है कि मैं जाके किस तरीके से बात करूँ कि मुझे वो सुविधा प्राप्त हो जाए।
आज बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं हमें एजुकेशन नहीं मिलती, ठीक है स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे कहते हैं हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, सब कुछ है लेकिन उनको लेना ही नहीं आ रहा है, तो उनको हेल्प तो चाहिए ना। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए मुझे बहुत बार पहले ऐसे ही जाना पड़ा, मुझे अच्छा लगता था उन लोगों के काम पूरे करने, मुझे बहुत मज़ा आता था। वो जो पूरे हो गए एक बार बोलते थे ना गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, बहुत अच्छा, सर पे हाथ फेरना बहुत अच्छा लगा, करते 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 कब आगे निकल गई पता ही नहीं चला। तो मतलब जो भी फैसिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट देती है या बाकी जो एनजीओस प्रोवाइड करते हैं वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच पा रही उन लोगों के पास में, इस वजह से ग्राउंड लेवल पर है लेकिन उनके पास पता ही नहीं है हमें ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आज एक फैसिलिटी आप देख लीजिए ना, सुकन्या योजना चलाते हैं जैसे, वही मैं कह रहा हूँ कि तो योजनाएं हैं पर जमीनी तौर पर उनके पास नहीं पता ही नहीं चलता उन लोगों को कि ये चीज हमारे को गवर्नमेंट दे रही है। अब एक रुपए में जैसे आपको मिल रहा है इंश्योरेंस मिल रहा है 12 रुपए महीने पे, लेकिन बहुत उन्हें पता ही नहीं क्या ये इन्हें मिल चुका है या ये मिलेगा। अरे हम जाके वहाँ बात क्या करेंगे, हम किस तरीके से लें उसे। तो एक तो उन्हें चाहिए ना कि भैया जो उन्हें बताया है ये चीज़ तुम्हारे लिए और तुम जाके लो, तो वो हेल्प करके देखो उनको, हमारा कुछ नहीं गया, जाके हमें जो सर्विसेज उन्हें मिल रही है प्रोवाइड कराई है ना, लेकिन उनके बावजूद उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ भाई हमारा ये काम हो। आप बाहर जाते होंगे, सिग्नल्स पे रुकते होंगे, कई बच्चे छोटे आपको दिखते होंगे, कई ऐसे लोग दिखते होंगे जो कुछ और काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी भीख मांग रहे हैं, पैसे तो, मांगते हैं, ऐसा तो बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ एक्चुअल भी नीडेड होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं कि शायद उनके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया या जो भी कुछ वजह हुई उसकी वजह से वो भीख मांगते हैं, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो उसको? ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है। मैंने बहुत बार इस चीज़ को मैं बहुत एनालाइज करती थी कि अरे ये बच्चा भीख मांग रहा है, अरे ये नीडेड है। आप जो भीख मांगना है ना वो बहुत मतलब डिपेंड करता है मेंटली सिचुएशन पे और अपने जो तुम्हारा टाइम पीरियड गया है कि तुमने क्या दिन देखे हैं। मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं जो बेसिकली वास्तव में नीडेड हैं, उनको ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी अपनी शर्म के मारे अपने काम को नहीं कर पाते कि भैया हमें ये काम करना है, हमें जैसा मिल रहा है ठीक है, वो भीख नहीं मांग पा रहे आज भी। उन्हें वाकई में ज़रूरत है, लोन को फैसिलिटीज़ ना मिले, उनको पैसे से हेल्प ना हो, क्योंकि वो भिखारी नहीं है, वो भीख मांग के गुजारा नहीं कर रहे हैं। और मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे जो पर्सन भीख मांगते हैं, आप उन्हें ज़्यादा दो बहुत अच्छे खुश, आप उनको मैं तो इतना दे रहा हूँ ना, एक काम करो चलो मैं रोज़ दूंगा तुम काम कर लो, वो कहेंगे ये पकड़ो अपने पैसे इतने में तो मैं रोज़ कमा लूँगा, ऐसे मैं काम क्यों करूँ। तो जो भीख अगर आप बैगिंग के लिए कहते हैं तो वो एक मैंटेलिटी भी बन गई है। आज मैंने खुद देखा है सड़कों पे माँ बाप सो रहे होते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए, बच्चे बैगिंग करते हैं, आप उनसे कहो पढ़ोगे, एक बार हंस देंगे, दूसरी बार कहो चलो मेरे साथ स्कूल में आपको बहुत कुछ मिलेगा, कहते नहीं चाहिए ये तो मैं 5 बार मांगूंगा और फिर खा लूँगा, तो मैं काम क्यों करूँ, इस मैंटेलिटी को आप क्या कहेंगे। तो बेसिकली उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, उन्हें अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझाने की ज़रूरत है, उन्हें किस चीज़ से, इंसान सो रहा है तो पटरी पे भी सो रहा है, पर सो रहा है तो अपने घर में भी सो रहा है, लेकिन उन्हें घर की वैल्यू बताने की ज़रूरत है। जब तक यहाँ से वो नहीं निकलेगा ना कि नहीं बैगिंग बुरा है, क्या गलत है क्या सही है, तब तक वो नहीं छोड़ सकते इस चीज़ को। तो एक आम आदमी को इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसको पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए, आप मानती हैं? आप उनको कहो कि ठीक है अगर आप काम करना चाहते हैं चलो मेरे साथ, कोई फ़र्क पड़ता है? उन्हें पूछ के देखो एक बारी, वो अगर कहते हैं हाँ हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, आप उनको उनके काम के हिसाब से पैसे दो। मैं ये नहीं कहती आप बेशक से उसको अगर उसके काम के 5 रुपये बनते हैं आप 10 रुपये दो, मैं कहती हूँ उनको बकअप करो, हाँ मैंने काम किया और ये मुझे इतने पैसे मिले, मुझे 5 की जगह 10 मिले, वो करने को तो तैयार हो पहले कुछ। लेकिन अगर सोते सोते सब कुछ मिल रहा है तो मेरी सोच ही बन गई है मैं तो सोऊंगा 5 महीने यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, मुझे पैसे मिलेंगे मैं खा लूंगा फिर सो जाऊंगा, तो उस मेंटालिटी को हटाना तो बहुत ज़रूरी है ना। सोच खराब हो चुकी है। तो बेसिकली मैं मानती हूँ कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको बहुत ज़रूरत है कि उनको समझाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि ज़िंदगी जीने का यही तरीका नहीं है। वो दूसरे को देख के इच्छा तो करते हैं लेकिन अगर उस इच्छा पर चलाने की कोशिश करो तो वो वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक बच्चे को उठाया और मैंने कहा चलो मैं तुम्हें चाइल्ड होम में ना छोड़कर आती हूँ, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा।
उसने 5 मिनट बात की, 5 मिनट मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं करूंगा। जब मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हें बर्गर मिल, किसी चीज़ का लालच देकर लुभावन देकर हम लोग कहते हैं, कहता है पिक्चर तो मैं मोबाइल में देख लेता हूँ, पापा के पास है। ये तो बच्चों की बात होगी, जो औरतें ऐसा काम करती हैं या जो आदमी ऐसा काम करते हैं जो कुछ और काम कर सकते हैं उनको, तो वो मेंटालिटी बन गई है ना, वो मेंटालिटी ही बन गई है। मैं आराम कर रहा हूँ, मेरा बच्चा भीख मांग के 100 रुपए लाएगा, रात को हम तीनों खाना खा लेंगे, कल फिर खड़ा कर मैं काम क्यों करूँ। अच्छा, वो मेंटालिटी है ना उसकी, जब पापा से सीखा तभी तो वो धीरे धीरे और बढ़ रहा है ना। अगर हम पैसे दे रहे हैं इजीनेस से तभी तो वो बढ़ रहा है, जब हम अपना हाथ खींच लेंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। वो कहेगा नहीं यार अब ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ और करो। तो एक जो नॉर्मल सिटीजन होता है, आम नागरिक जिसे हम कहते हैं, अगर वो कुछ करना चाहे इस चीज के लिए तो कैसे कुछ करे, कैसे वो अपना एक योगदान दे सकता है ये सब चीज में? देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। एक तो सबसे पहले इंसान को, एक छोटी सी बात है, सभी मिडिल क्लास आदमी होते, जितनी चादर होती है उतनी पैर पसारने होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी तुम्हें कि तुम बहुत बढ़ चढ़ कर मंदिरों में दान करो। तुम अपने से अगर किसी को देखते हो ये बच्चा पढ़ रहा है, इसके पास बुक अवेल नहीं है, आप उसे बुक्स दो। आप सोच रहे हो कि ये बच्चा जा रहा है, बेचारा मेहनत करता है, पढ़ने के लिए जाता है, सब कुछ काम करने के लिए जाता है, पर इसके पास पैसे नहीं है, ये पैदल चल के जा रहा है, रिक्शा का किराया नहीं उठा पा रहा, इससे इसको तकलीफ होती है, आप उसे रिक्शा का किराया दो। नहीं, लेकिन जो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है उसको कैसे समझाया जाए उसको, या जो इंसान काम करने के लिए नहीं तैयार है उसको कैसे हम टैकल करें? उसके लिए तो बस एक ही चीज़ है, मैंने कहा ना काउंसलिंग। जब तक वो माइंड से फ्रेश नहीं होगा, ऐसे मतलब मैं बहुत सारी जगह जानती हूँ जहाँ काउंसलिंग होती है, और जहाँ पर उनको एक बार ही जाओ ले जाओ, उनको वहाँ पर जाकर आप कहो कि भैया ना इनको यहीं रखो, बहुत सारे शेल्टर्स बने हुए हैं। अब मैंने ऐसे बहुत सारी बुज़ुर्ग होती हैं, अब इन्हीं में ही मैं आपकी बात बता रही हूँ, इनमें जो बुज़ुर्ग हो जाती हैं लेडीज़, ख़ास तौर से लेडीज़ जो बुज़ुर्ग हो जाती हैं, जो कुछ घर का भी नहीं कर पाती और भीख भी नहीं मांग पाती, और उनकी ज़्यादा बन जाती है कि भाई इनको दवाइयाँ भी चाहिए, इनको अब सुरक्षा भी चाहिए, उठा के ले जाना पड़ता है, तो उनको क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, वो अक्सर भूखी घूमती हैं। मैंने ऐसी 2 लेडीज़ को जाकर ओल्ड एज होम में मतलब भेजा है यहाँ से, और ओल्ड एज होम में जाने के बाद अब उनको वहाँ पर थोड़ा दिन तो पहले लगा कि भाई ओल्ड एज होम में भी अपना बिस्तर साफ रखना पड़ता है, साफ़ सफाई से रहना पड़ता है, अपने मेडिसिन खुद लेनी पड़ती हैं, खुद उठा के रखनी पड़ती हैं। उनको वो तो अच्छा लग रहा था कि भाई हम मेडिसिन खा रहे हैं, हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पिलो मिल। धर्म के नाम पर जो भीख मांगते हैं उनके, उनको कैसे हम रोकें, उनके लिए क्या इलाज है? कभी एक डॉक्टर के पास बच्चे को जाते हुए देखा है? हाँ जी। अगर हम बच्चे को ये कहकर लेकर जाएं बेटा तुझे सुई लग जाएगी, क्या बेटा तुझे टीज़ करेंगे तो बच्चा जाएगा? नहीं। हम क्या कहते हैं, बेटा दवाई मीठी होगी पक्का तेरी ठीक हो जाएगी, लालच देते हैं, लालच देते हैं। तो अगर हम किसी भी तरीके से धर्म पे मांगने वालों को हम ये कहते हैं ना, बाबा जी आप राम जी आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको खाना ही तो खाना है, मैं ही खिला देती हूँ, आपको 2 टाइम की रोटी चाहिए, इससे आया तो कुछ नहीं चाहिए ना, तो वो कहेंगे नहीं। आप कभी भी देखिएगा ये हम लोगों को, हम कहते हैं ना हम इनको परेशान, ये हम लोगों के प्लस फैक्टर्स का फ़ायदा उठाने का तरीका है। जो इंसान धर्म के नाम पे ज़्यादा लगता है उसको कि भाई नहीं मैं धार्मिक विचारों का हूँ, मुझे धर्म के नाम पे चलो कोई बात नहीं, कहते हैं ना हर एक इंसान का एक लू पॉइंट होता है जी। कोई गरीबी के नाम पर ज़्यादा दिल में दया आ जाती है, किसी को धर्म के नाम पर ज़्यादा दिल में धार्मिक भावना उठ जाती है, ये उन चीज़ों से खिलवाड़ है। धार्मिक नाम यूज़ करके उसको कभी वही इंसान देखिए, बिल्कुल कभी ये देखिए ना, कभी वही राम के नाम पे मांग लेगा, फिर वो अल्लाह के नाम पे मांग लेंगे। इन्होंने बाबाओं ने ना मतलब भगवानों के भी सीज़न बना दिए हैं। अब साईं राम जी ज़्यादा चल रहे हैं तो हर जगह साईं बाबा के नाम पे दे दो, नवरात्रे आ गए माता रानी के नाम पे दे दो, और बजरंग बली तो एवरग्रीन है सीरियसली। और इस धर्म के नाम पे मांगने से इतना बुरा हाल है हिंदू धर्म का, इतना बुरा हाल है कि शायद उसे कवर करने में ना हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि शुरुआत कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें। जो रैकेट्स चलते हैं कुछ प्रॉपर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम होता है, जहाँ पे रैकेट होते हैं ये कुछ बच्चों को भेजा जाता है भीख मांगने के लिए, और शाम को पूरा कलेक्शन होता है, और एक उनका मेन माफिया या जो भी आप उसको कहें वो उनसे पैसे पूरे लेता है, तो उसको कैसे तोड़ा जा सकता है या उसके लिए क्या किया गया अभी तक? जब हमने सर्वे किया था इस चीज़ के लिए, आप ये देखिए कि हम ये जो जमुना बाजार का मंदिर है यहाँ पर ये काम बहुत होता है, और इस चीज़ के लिए हमने एक बार ही सर्वे भी किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि वो बच्चे उनके नहीं होते,
और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि हमारे माँ बाप कौन है या कहाँ से हमें किस तरह जाना है, और वाकई में वो विक्टिम भी होते हैं उसमें बहुत। इसमें जो इंसान अपने आप को प्रोफेशन बना लेता है अपना इस चीज़ का कि नहीं मुझे चार बच्चे पकड़ने हैं अभी तो वो मांगेंगे और मैंने आगे इसको कलेक्शन करके ले जाना है। ये बहुत बड़ा क्राइम स्केल है, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग तक इन्वॉल्व करता है कि बच्चों को बाहर से लाते हैं। मतलब हमने तो फिल्मों में ही देखा है, हमने कोई सर्वे ऐसा नहीं किया, लेकिन हमने फिल्मों में देखा है। क्या एक्चुअली में भी ऐसा होता है कि वो बच्चे बाहर से लाते हैं फिर उनका हाथ तोड़ देते हैं या उनको कुछ ऐसी चोट लगा देते हैं जिसकी वजह से लोग सिंपैथाइज होकर उनको पैसे दे दें? तोड़ना चोट लगाना तो मैंने एक आधे के साथ ही देखा, इतना नहीं देखा, लेकिन उनको डरा इतना दिया जाता है कि वो लोग तुम कितना भी पूछो वो नहीं बताएंगे। और ये कौन है, अगर तुम सामने बंदा आ भी जाता है ये कौन है, ये तो ये चाचा, ये मामा जी हैं, ये मेरे अंकल हैं, इनके साथ ही जाना है, ये मम्मी कहाँ है पता नहीं, वो कहाँ, वो किसी बात का जवाब नहीं देते। जब हमने इस बारे में बात करने के लिए, वो एक गवर्नमेंट क्या करेगी इन चीज़ों में, जब हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, हम कोई विक्टिम को ऐसे पकड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको उठाकर जो बच्चों का केंद्र होता है, चाइल्ड जहाँ पर रहता है, वहाँ पर अगर उनको भेज भी दिया जाता है तो वो लोग भी एक लंबे टाइम तक जो सदमे में आए हुए होते हैं उनको बहुत लंबा टाइम लग जाता है इससे निकलने में। तो जो आप इस बारे में कह रहे हैं कि बच्चों को ह्यूमिनेट किया जाता है कि भई है ना तुम यही काम करोगे, वो चीज़ अलग है और माइंडसेट अलग है, इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। जहाँ ये मजबूर है वहाँ वो अपने मर्जी से, इच्छा से करते हैं, इच्छा से करते हैं। उनको बदलना चाहो आप नहीं बदल सकते, लेकिन इन चीज़ों को बदलने के लिए ही हमने एनजीओ स्टार्ट किया था। और हमारी एनजीओ एज ए लॉ फर्म भी है, हम यही चाहते हैं कि वो जो मजबूर हैं उनकी हेल्प की जाए। और इस हेल्प को करने के लिए हमें बहुत बार ऐसा सोचना पड़ता है कि हम है ना इसमें पुलिस का वे पकड़ते हैं तो कुछ और चीज़, इसीलिए हमने एक लॉ फर्म भी साथ में शुरू की थी और हमारे साथ बहुत सारे लीगल एडवाइज़र्स भी बहुत जुड़े हुए हैं, लॉयर्स भी हैं, ताकि हमें आगे जाके किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। अब जैसे मैं पहले जुगनू में काम करती थी तो जुगनू में पढ़ाई तक तो ठीक है, लेकिन जब जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं जाना भी चाहते हैं लेकिन वो इस तरीके से जब परेशान थे ना उनकी हम हेल्प नहीं कर पाते थे। तो लॉ फर्म से हमें फ़ायदा यही है, और जो हमारे साथ वकील जुड़े हैं उनसे हमें फिर ये नहीं होता कि हमें कहाँ भागना पड़ेगा या हमें लीगल एडवाइस कौन देगा या इसमें कुछ ऐसे लूपहोल ना रह जाए कि वो बच्चा वापस उनके पास चला जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं इस बात को नहीं कह सकती कि भैया पुलिस हेल्प नहीं करती, पुलिस हेल्प पूरी करती है, लेकिन दो बारी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बच्चे ही मुँह नहीं खोलते हैं, और जब बच्चा मुँह नहीं खोलता ना, नहीं मेरा चाचा यही है मैं इसके साथ ही जाऊँगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। चलिए, ये मेरा आखिरी सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी, हमें बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि ये चीज़ें और भी लोग इस वीडियो को देख के शायद सीखेंगे या जानेंगे। क्या नाम है आपका? पार्वती। कितने साल के हैं आप? 23 साल के। आप यहीं रहते हैं? आप वैसे कहाँ से हैं रहने के? बता भी दियो, बठिंडा रहते थे। बठिंडा रहते थे आप? वहाँ से यहाँ पे किस लिए आए हैं? कमाने। वहाँ पे कमाई नहीं होती थी, कोई साधन नहीं था वहाँ पे? शादी हो गई है आपकी? हाँ। कहाँ है आपके पति? मेरा पति इसकी माँ बाप में, मेरे ससुराल है। तो आप वहाँ पे क्यों नहीं है? बस ऐसे आ गई थी, मेरी लड़की हुई, इतने माँ बाप में ऐसे आ गई थी मिलने। तो यहाँ आपको किसने बताया कि आप यहाँ आके रही है, यहाँ आके कमाई है? किसी ने कहा, बस चले आए, जहाँ अपना पेट बढ़ता है वहाँ आ जाते हैं कमाने। तो आप यहीं रहते हैं कि कहीं जाते रहते हैं? नहीं, बस हम तो घर पे रहते हैं, बनाते हैं। और आपके ससुराल में कौन कौन है? हमारे ससुराल में देवर भी है, जेठ भी है, ससुर भी है, सास भी है, नंद भी है। तो सब आपको आदर से रखते हैं, प्यार से रखते हैं? प्यार से रखते हैं, बढ़िया रखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होती है? दिक्कत नहीं है। बच्चे हैं आपके? एक लड़की है मेरी। कहाँ पे है? कितने साल की है ये? 6 महीने की है। तो फिर आपने सोचा है इसको कुछ आगे पढ़ाने का, जब ये बड़ी हो जाएगी? जब हम ही नहीं पढ़े तो लड़कियों को कहाँ से पढ़ाएंगे? तो फिर क्या करेंगे आप? हम क्या करें अब बता। क्या काम करते हैं आप? गमले बनाते हैं, छोटा मोटा फूल बनाते हैं, यही। तो ये गमले आप कहाँ पे जाके बेचते हैं? गाँव में बेचते हैं, शहर में बेच देते हैं। मतलब आप गांव शहर होते रहते हैं, कभी गांव में रहते हैं कभी शहर में रहते हैं, कोई एक ठिकाना नहीं है आपका रहने का? नहीं। और कितना कमा लेते हैं फिर आप? कमा लेते हैं, अपना पेट भर जाता है, कुछ अपने
शादी आबादी के अपने बच्चों के कपड़े अपड़े लेते हैं, तले लेते हैं, बच जाता है थोड़ा बहुत कुछ हो कमा कर लेते। कोई मदद करने आता है आपकी कि नहीं? कौन आता है? कोई नहीं आता है। कौन बेहारा मदद करने? कोई भी नहीं आता। और आपका आधार कार्ड वगैरह कुछ बना हुआ है घर में किसी का? है, आधार कार्ड वगैरह तो है। आपके बाकी परिवार कहाँ है? कौन सी जगह पे रहता है आपका ससुराल? हमारा ससुराल सुंदर नगर। तो आप वहाँ से यहाँ तक आते हैं? सारे परिवार के यहाँ हो रहे हैं। लड़की है, लड़की है, बहू है, बहन है। ये सब लोग कौन है आपके? ये मेरी मौसी है, ये भाभी है, ये बहन है, वो माँ है, वो मौसी है। तो आपकी बहन की शादी हो गई है? नहीं। कितने साल की है आपकी बहन? 18 साल की है। शादी वादी नहीं हुई है इनकी? नहीं। वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी है अभी। और ये कोई बच्चे से कोई भी नहीं पढ़ रखा हमारे में, अनपढ़ हम सारे। तो आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं? कहीं भेजिए सरकारी स्कूल में। यहाँ कौन आता है दीदी? कोई नहीं आता है हमको लेने, ना कोई जाता है। हम तो बतेरे कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाए, लेके जाए। हम तो बतेरे कहते हैं कोई आता ही नहीं, लेके जाता नहीं, तो हम कैसे कहते हैं? एक दिन लेके जाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे भागो अपनी माँ बाप में, वापिस बच्चे आ जाएंगे। इसमें एक दिन की लिखाई क्या होती है? पढ़ाना भी है तो 2-3 साल पढ़ भी ले बच्चा तो उसको थोड़ा बहुत दिमाग आ जावे। अब बच्चे पढ़ते नहीं है, कोई आता नहीं लेने। और अभी जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं, आपका बना हुआ है चुनाव लेने के लिए वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है? वोट कार्ड नहीं बना है, उधार उधार कार्ड बन रखा है हमारा। उधार कार्ड, राशन कार्ड ये बन रखा है बस। कोई पूछने नहीं आता किसी भी पार्टी से? कोई आप हमारे को वोट दो? कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता बोलने? और आप ये सब फूल बनाने का सामान वगैरह कहाँ से लाते हैं? दिल्ली सदर बाजार से। सदर बाजार से लाते हैं? दिल्ली सदर बाजार से लाते हैं। आपका मतलब घर का निकल जाता है एक दिन का खाना पीना? हाँ। राशन मशीन सब हो जाता है? आटा आता है, 50 रुपए का तेल आता है, 10 जने हैं खाने पीने वाले 20 जने। फिर इतने से आटे में हो जाते हैं सबके खाने? हाँ हो जाते, भूखे तो आज पेड़ बोल के। भगवान सब दिन भूखा जगाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, खाना तो देता ही है। शाम को सुबह तक मेहनत करेंगे, सुबह शाम तक मेहनत करते हैं, शाम को तो रोटी मिल ही जाती है एक टाइम। तो आपको कोई उम्मीद है कभी कोई आपकी मेहनत देखने आएगा, कोई करेगा, सुधार होगा आपके लोगों के? उम्मीद हमारी बतेरी है, कोई आता नहीं तो क्या करें, कोई आता ही नहीं है देखने। बस कोई आ जाता है तो जैसे आप लोग आ गए तो हमने सोचा कुछ कर ही देंगे, अब हम आपको देखेंगे कि आप कर दोगे तो सही है, नहीं करोगे भी सही है। इसमें हम तो नहीं आपको कहेंगे कि हमको तेरे घर को तेरे घर पर हमको बिठा, हम ऐसे तो नहीं। तो किसी भी चुनाव से अब तक कोई भी नहीं आया आज तक? कभी भी नहीं? कोई भी नहीं आया। और आपको यहाँ पे रहने देते हैं? रहने देते हैं। कोई पुलिस आती है या कुछ आती है आपको हटाने के लिए? चले जाते हैं कहते हैं। फिर आप कहाँ जाते हैं? यहाँ से कहीं चले जाते हैं, वहाँ रह जाते हैं, कल वहाँ। हमारा कौन सा ठिकाना है, हमारी कौन सी जगह है? तो आपके बच्चे परेशान नहीं होते एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने? जब हम ही परेशान है तो बच्चे परेशान नहीं होंगे, बता बहन। जब हम ही परेशान है तो बच्चे परेशान नहीं होंगे।